life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror. So foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me. And honestly, I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no. Hey friends, मैं हूँ संचित और आज मैं आप लोग को एक नई लोकेशन के साथ में आया हूँ। मैं आया हूँ फ्लोरा फाउंटेन, जो मुंबई की एक फेमस टूरिस्ट स्पॉट है। यहाँ पे एक फिल्म बनी हुई थी 2009 की, आमिर खान सर की गजनी फिल्म, जो यहाँ पे इन्होंने एक छोटा सा सीन है जहाँ असिन को कार लेने का एक शौक था। उन्होंने कार खरीद के उन्होंने यहाँ आमिर खान सर के साथ वो एक ड्राइव पे निकलती हैं और यहाँ पे अपना कार खड़ी करके वो यहाँ पे फोटोज क्लिक करती है। तो फोटो जब क्लिक होते हैं तब बैकग्राउंड में आपको ये फ्लोरा फाउंटेन और उसके पीछे ये जो आप बिल्डिंग देख रहे हो ये बैकग्राउंड में दिखता है। और आप उस साइड भी आप देखोगे, आमिर खान सर ने यहाँ ये बॉम्बे हाईकोर्ट के जो बिल्डिंग है वहाँ पे भी उन्होंने अपने फ़ोटो क्लिक किए। छोटा सा सीन है दोस्तों, जब वो कार लेके आए हैं तो उन्होंने फ़ोटोज़ क्लिक किए हैं। मैं उम्मीद करूँगा कि आपको ये लोकेशन आपको बहुत अच्छी लगी होगी। यहाँ का अगर आप यहाँ पे आप आना चाहते हो तो इसके सबसे करीबी स्टेशन है चर्च गेट स्टेशन। यहाँ से आप बाई वॉक भी आप आ सकते हो या तो आप टैक्सी पकड़ के आप आ सकते हो। आपको 30 रुपीज़ आपको चार्ज लगेंगे। दोस्तों, गजनी फिल्म में जब आमिर खान सर असिन और अपने कार को खरीद के जब ड्राइव पे निकलते, थोड़े कुछ बच्चों के साथ में वो निकलते हैं ड्राइव पे, तो यहाँ पे इसी फ्लोरा फाउंटेन में उन्होंने फोटोज़ क्लिक किए हैं। बैकग्राउंड में आपको ये बिल्डिंग आपको नज़र आएंगी। उन्होंने अलग अलग एंगल से उन्होंने फ़ोटोज़ क्लिक किए हैं। वो छोटा सा सीन है दोस्तों, जब असिन अपना कार लेके आए हैं। बैकग्राउंड में आपको फ्लोरा फाउंटेन दिखेगा और ये उसके पीछे जो आपको बिल्डिंग आप देख रहे हो ये आपको दिखेगा। और ये सामने आप मेरे जो देख रहे हो ये बॉम्बे हाईकोर्ट, उस बिल्डिंग के सामने खड़े होके उन्होंने फ़ोटोज़ क्लिक किए हैं। मैं उम्मीद करूंगा दोस्तों कि आप लोग को ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी। यहाँ पे फ्लोरा फाउंटेन के बारे में ये कुछ लिखा गया है, आप वीडियो को आप पॉज करके आप पढ़ सकते हो उसको। इसको दोस्तों बन के इसको कम से कम 150 से 160 ईयर्स हो चुके हैं। ब्रिटिशर्स ने इस फ्लोरा फाउंटेन को बनाया था। और यहाँ पे आप देखोगे ये स्टैचू, आप देखोगे बहुत मुंबई को जब भी आप शूटिंग में जब दिखाते हैं ना मूवीज़ में, तो ये फ्लोरा फाउंटेन, गेटवे ऑफ इंडिया तो दिखना ही दिखना है हर मूवी में, जब भी मुंबई का लोकेशन दिखाते हैं। यहाँ पे आप देखोगे ना, यहाँ पे ट्रैम का ट्रैक्स है। यहाँ पे आप देखोगे मुंबई में भी एक टाइम पे ट्रैम्स हुआ करता था, जो अभी काली इंडिया में तो काली अब जो ना के बराबर जो चलती है वो भी कोलकाता में चलती है ट्रैम्स, जिसको हम रोड पे चलने वाले ट्रेन्स जो हम बोलते थे वही है ट्रैम्स, उसके बारे में भी ये लिखा गया है। वीडियो का आप पॉज करके आप पढ़ सकते हो उसके बारे में। मैं उम्मीद करूँगा कि आपको ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। मुझे आप प्लीज़ कमेंट्स में आप ज़रूर बताइए कि आपको ये लोकेशन आपको कैसी लगी। तो चलिए दोस्तों, अब शाम का वक्त हो चुका है, अब मैं यहाँ से चलता हूँ। मैं ये वीडियो यहीं पे एंड करता हूँ। आपको ये लोकेशन आपको ये कैसी लगी आप प्लीज़ मुझे कमेंट में आप ज़रूर बताइए। इस जगह का करीबी स्टेशन है, आपको चर्च गेट से आप आ सकते हो, चर्च गेट से आप टैक्सी पकड़ के आप आ सकते हो या बाई वॉक आप आ सकते हो। तो ठीक है दोस्तों, अगर आप लोग को कोई किसी और नई लोकेशन को मैं आप देखना चाहते हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। मैं आप लोग को लेके आऊँगा नए वीडियोज़। तो ठीक है दोस्तों, अपना ख्याल रखें, अपने माँ बाप का ख्याल रखें। अलविदा, ऑल द बेस्ट।